देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज उत्तर प्रदेश बुलेटिन की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू संस्कृत को भारत की एकमात्र संस्कृत करार देते हुए रविवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सिर्फ हम ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। योगी ने लखनऊ में आयोजित युवा कुंभ को संबोधित करते हुए कहा, भारत एक राष्ट्र है, उसकी एक ही संस्कृति है, भारत की एक सोच है। यहाँ पर भाषाएं, जाति, क्षेत्र, खान पान, रंग रूप, बोली भाषा अलग अलग हो सकती है। भारत राजनीतिक रूप से भले अलग हो सकता है, लेकिन उसकी एक संस्कृति है जो हिंदू संस्कृति के रूप में जानी जाती है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि वो यूपी के सभी 2.5 करोड़ किसानों को चिट्ठी लिखेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। इस पत्र में भाजपा किसान मोर्चा के लोग हर किसान परिवार तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा सरकार वर्ष 2019 के अंत तक 20 लाख हेक्टेयर और अतिरिक्त भूमि को संचित करेगी। सीएम रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान सम्मेलन समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर 33 काश्तकारों को सम्मानित भी किया गया। प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की मांग के स्वर फिर तेज होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे गैर जरूरी बताते हुए कहा कि आबादी कोई बोझ नहीं बल्कि एक लाभांश है और इसका सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा किए बगैर इसका विकास नहीं हो सकता। कल को कोई ये भी कह सकता है कि आबादी के लिहाज से चीन के बाद भारत सबसे बड़ा देश है और ये मुल्क भी तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक इसके टुकड़े न किए जाएं। प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का दावा है कि सूबे में 100% विद्युतीकरण करने का काम अंतिम मुकाम पर है और 31 दिसंबर 2018 तक हर गांव मजरे को रोशन कर दिया जाएगा। श्रीकांत शर्मा पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि गरीब आदमी के लिए उसके घर में बिजली पहुंचाना सरकार का नए साल का तोहफा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक सोमवार को सुबह 11 बजे से लोकभवन में होगी। इसमें पुलिसकर्मियों को राहत देने से संबंधित कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ड्यूटी के दौरान गंभीर दुर्घटना होने पर कोमा में चले जाने वाले पुलिसकर्मियों को असाधारण पेंशन देने का भी फैसला लिया जाएगा। मंगलवार को क्रिसमस के अवकाश और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम के कारण कैबिनेट की बैठक सोमवार को हो रही है। नोएडा के थाना फेस 3 के क्षेत्र बहलोलपुर गांव में रविवार रात एक मकान में आग लगने से 12 लोग झुलस गए। मुख्य दमकल अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गांव बहलोलपुर में रहने वाले इंद्रपाल के मकान में 24 से ज़्यादा परिवार किराए पर रहते हैं। रविवार को 10:30 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट की वजह से ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी मोटरसाइकिलों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट पे ले लिया। उन्होंने बताया कि आग की वजह से मकान में रहने वाले लोगों में भगदड़ मच गई। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहें ग्रामीण न्यूज़। नमस्कार, देखिए ग्रामीण न्यूज़ यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।